हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा, कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं वी कैन से मीम टॉक की नई वीडियो जो आई है, दैट इज इंडियन थगलर 2021 डैंक इंडियन मीम्स एंड मीम टॉक स्टूडियोज वी कैन से। तो इनके जो मीम्स है, एवरी टाइम आई से मीम टॉक स्टूडियोज मतलब क्वालिटी मीम्स, जस्ट वन थिंग। तो ये जो इनका नया वीडियो है इंडियन थगलर 2021 डैंक इंडियन मीम्स, हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। यार बड़ा मजबूत घना पर तुझ पे पूरा लट्टू है, तू भी बिल्कुल कम नहीं है, ऐसी है थोड़ी वैसी है। ऐसी मतलब क्या आइटम? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और तेरी थाई तो बहुत मोटी है, दबा लूं? मोटा तो कुछ और भी है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। रुक जा, रुक जा, रुक जा। अबे कैसा लीडर है ये, जो तुम्हें एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकता? एक से एक वीआईपी चीज मिलेगी खाने को। अरे दो साल से ना खाई रस मलाई। हमारे लीडर मनोज भाई। अरे दो साल से ना खाई रस मलाई। हमारे लीडर मनोज भाई। बस 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 बस। A few moments later. Infected है ये। अबे नहीं हूँ। काटा है पीछे। अबे नहीं काटा है। खून निकल रहा है। मेरे क्या काटने से खून निकलता है क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे फिर से नहीं मिली रसमलाई? गड़बड़ भाई है मनोज भाई। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। देख पायल, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, लेकिन यार प्लीज तू मेरे साथ सेटिंग कर लेना। मैं तुझे घुमाना चाहता हूँ, तुझे फिराना चाहता हूँ, तुझे चटाना चाहता हूँ। रुको जरा, सबर करो। क्या मलाई चाप यार? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं गंदा आदमी हूँ मैं? यही नहीं, अभी और सुनिए पायल, मैं तुझे भर भर के चुसाना चाहता हूँ। What the fuck? ये क्या बात करते हैं यार? अश्लील है ये लोंडा। क्या? कुल्फी पायल। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो तू राम निकला, देव मारे निकला। रुको जरा, सबर करो। मैं तुझे बहुत सारा देना चाहता हूँ। क्या? गिफ्ट्स पायल, गिफ्ट। निकल यहाँ से, निकल। अरे सांप खाएगा तू, चुप खाएगा तुझको। सही खेल यार। भैया देखो ना यार, खुल नहीं रहा है। भाई ये पीयू के कोड मांग रहा है, पाकिस्तान अंडर कश्मीर। 500 लगते हैं इसमें, ऐसे नहीं होगा ये। 500 तो नहीं है भैया, लॉलीपॉप है, लोगे। उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। रुको जरा, सबर करो। लॉलीपॉप है, लोगे। तुम लोगे इसको कांड में। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? अगर तुम बन सकती हो तो बहुत अच्छा है। इतना आसान नहीं है मुझे गर्लफ्रेंड बनाना। मुश्किल काम करना मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रियली? हाँ। अच्छा कर ले फिर मुश्किल काम। मतलब आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड? ठीक है, तो आज मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अरे हाथ मत लगा मेरे भाई को, इतनी खुशी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। नहीं कल किसी और की थी, परसों किसी और की होंगी, और उसके बाद फिर किसी और की। नहीं मेरा तो काम ही यही है ना, सिर्फ 10,000 लेती हूँ मैं गर्लफ्रेंड बनने के, ज्यादा नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके पैसे भी ना सिक्योरिटी से ही काटूंगी, इसके पैसे ना सिक्योरिटी से काटूंगी। कर दिया ना खराब, अब इसके पैसे भी सिक्योरिटी से काटूंगी, सिक्योरिटी से काटूंगी। पर आंटी ये तो ठीक है,
क्या आपने तोड़ा? अब काटूंगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता। थोड़ा थोड़ा जो भी आपके पास होगा। कोई थोड़ा थोड़ा नहीं लाना, हर चीज डबल लानी है भाई की। जॉब लगी है, सैलरी आई है पहली। तो सैलरी सैलरी को लुटा दूंगा आराम से। लुटानी पड़ेगी भाई। पीने में क्या क्या है? पानी है। अरे पानी छोड़, जो चीज सबसे महंगी है ना वो चीज आनी चाहिए। A few moments later. सामने क्रश है मेरे। उठो यहाँ। तो अभी बैठ गए। अरे तुम यार फकीरों को बैठाओगे मैं यहाँ पे? उठो यहाँ। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? खा रहा था। अकेले? हाँ मैं इतना ही खाता हूँ। इतना सही है यार। तुम और मंगाओ ना। क्या है इधर? कुछ नहीं है और मंगाओ। खाना क्या ये बताओ। क्यों बहुत पैसे आ रहे हैं? तो पैसे की टेंशन ही नहीं है। कैसी लगी? मजा आया। सच में? आगे स्वाद। सिंगल है? हाँ जी। इंजीनियर से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिविल में आप लोग? सिविल में। सिविल। कितनी लड़कियां दोस्त हैं? यार यकीन करो दिल दिल यार ये जो है यार सवाल ये ना दिल रोता है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती। दिल में सोच के आया था कोई एक आधी होगी, आंखें ठंडी होती रहेंगी, लेकिन क्लास छोड़ दो, फैकल्टी में होता ना एक फीमेल हो। ओ भाई झूठा हमारे पास ये ना आने से डरते हैं हमारी जैसे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। लड़कियां तो दूर की बात है यार। ले लो चाय पी लो, बहुत एनर्जी खर्च हुई है। मालूम ना? कोई नहीं, रिकवर कर लो। वैसे फैंटास्टिक भाभी जी, वैसे आज तक मैंने ऐसी ठुकाई कभी नहीं खाई। शाबाश बेटा। अभी तक कितनों की ली है तुमने? भाभी जी 100 के बाद तो गिनती ही भूल गया। Hey, y'all come look at this. अरे शर्म करो कुछ, बच्चे नहीं हो अब तुम। यही टाइम होता है पढ़ाई करने का। टेंथ के बाद कभी सोचा है क्या करोगे? क्या करोगे टेंथ के बाद? 11th. वक्त थमसा गया है ना। अरे मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं? अपना टाइम आए। ये है आम जिंदगी। That doesn't mean you can overtake. Come man, come. You come man. What the fuck, Brittany? Hey. Could have gone straight and taken. इंद्रानगर का गुंडा हूँ मैं। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। यार एक एक लड़की का अरेंजमेंट हो जाएगा क्या? शौकीन आदमी किसी को तो छोड़ता। अरे यार बकचोदी छोड़ोगे? करवा सकते हो या नहीं ये बताओ बस। गार्जियन के अलावा संदीप कुछ भी कर सकता है। मस्त एक नंबर बोला। कितने आदमी थे अंदर? दो औरतें थी, एक तेरी बहन और एक तेरी माँ। म्यूजिक कैसी लगी? आगे स्वाद। अपोजिशन जीरो है, सुंदर अपना हीरो है। अच्छा है ना दया भाभी, मैंने तारक को कहा था कि तूफान मच जाए ऐसे नारे। बोलिए बोलिए। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा लिख पाऊँ क्योंकि आपका भाई जो ठहरा भाई। हाँ अगला सुनिए। गली गली में शोर है, सुंदरलाल चोर है। बबीता जी और अय्यर भाई के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। बबीता छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती है। बबीता आप समझने की कोशिश करो। लिसन मेहता जी, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। वन थिंग इज डिसाइडेड, आई डोंट वांट टू स्टे विद यू। ओके, मुझे डिवोर्स चाहिए। Yeah!
ये क्या कह रहे हैं आप बबीता जी? पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल के पीछे पीपल के नीचे स्कूल। लास्ट को तो यार बहुत ज्यादा मजा दिला दिया बाय सैवेज रिप्लाइज बाय हमारे जेठालाल। तो सी सच में ये नया वीडियो मीम डॉग स्टूडियोज का, मैं एवरी टाइम बोलती हूँ क्वालिटी मीम्स, मतलब मीम डॉग स्टूडियोज, आई सीरियसली लव दिस मैन। मतलब सब और जो बच्चे ने मतलब टीचर ने पूछा 10th के बाद क्या करे 11th, क्या सैवेज रिप्लाई दिया। मतलब टीचर आपको पता नहीं है कि 10th के बाद होता गया है, इतना ज्यादा है वो सच में बोलू यार, माइंड रिफ्रेशिंग, लव इट। तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दिया गया, प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।